प्रदेश में 25 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बीते एक महीने में यह तीसरा मौका है जब प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इससे पहले 84 आईएएस और 54 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इस बार जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें कुशीनगर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजीव रंजन को सहारनपुर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। वहीं मथुरा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को बागपत का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है और इसी तर्ज पर कई बड़े फेरबदल जो है यहाँ पर किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 25 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और आपको बता दें बीते एक महीने में ये तीसरा मौका है जब प्रशासनिक अधिकारियों के जो तबादले हैं वो कर दिए गए हैं। इससे पहले भी 84 आईएएस और 54 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे और इस बार जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनकी भी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमितेश, लगातार एक्शन में है योगी सरकार और ये तीसरी बार है जब प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए हैं। कौन कौन से मुख्य नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अधिकारियों के तबादले कर रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश को अगर बेहतर तरीके से चलाना है तो तमाम वो अधिकारी जिन जो पिछली सरकारों में बेहतर पद पे थे उनको कहीं ना कहीं हटाना होगा। इस ये जो पूरी तरह से इस ध्येय पर काम कर रही है सरकार, यही वजह है कि तीसरी बार जो तबादले हुए हैं उसमें 25 जो आईएएस अधिकारी हैं वो उनके तबादले हुए हैं। 16 जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे उनको सीडीओ बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम के विजेंद्र पांड्यान की बात करें उनको उनका तबादला हुआ है। उसके अलावा भावना श्रीवास्तव जो अब तक आवास विकास में थी सचिव के पद पे उनका तबादला हुआ, तो तमाम ऐसे नाम हैं तकरीबन 25 जो आईएएस हैं उनके तबादले हुए। जाहिर सी बात है कि इन तबादलों के पीछे लगातार भले ही कई तरह की बातें की जा रही हों लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो चाहती है कि तमाम वो अधिकारी जो पिछले कई सालों से अपने पदों पर जमे हुए थे उनको इधर उधर किया जाए ताकि जो आम जनता है उनके जो काम है वो बेहतर तरीके से हो सके। अमितेश, बिल्कुल, जो कानून व्यवस्था है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं अब योगी सरकार की तरफ से। तो अब कहीं ना कहीं जनता के मन में ये विश्वास बढ़ेगा कि शायद जिस तरह से तबादले किए जा रहे हैं उसी के साथ साथ जो स्थिति बनी है, परिस्थितियां जो रहती हैं कानून व्यवस्था की, उसमें भी तब्दीली आएगी। देखिए, आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी उसके कई महीने तकरीबन 1-1.5 महीने बाद तक कोई तबादले नहीं हुए थे। उसके बाद से लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई कैसे आप पुराने सरकार के अधिकारियों से ही आप काम करा लेंगे, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे थे। ऐसे में 3 महीने के तकरीबन जो तीसरी बार जो बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि इन तबादलों के पीछे ये सरकार की मंशा है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में वो तमाम अधिकारी जो अपने आप को सुपर बॉस समझते हैं और जो चूँकि राजनीतिक रसूख और ऊंची पकड़ के चलते वो अपने तबादले अक्सर नियस्त करवाते रहते हैं, उन पर खास तौर पर फोकस किया गया है। और अगर आप इन 25 आईएएस के लिस्टों को देखें तो तमाम ऐसे नाम हैं जो पिछली सरकार में खासम खास माने जाते रहे हैं अखिलेश यादव सरकार के। तो जाहिर सी बात है कि एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जा रही है और जितने बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संदेश दे दिया है कि राजनीतिक पहुंच और रसूख का दावा करने वाले अधिकारी भी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में और बड़े प्रशासनिक जो बिल्कुल अमितेश आने वाले दिनों में और उम्मीद की जाएगी जनता की तरफ से कि और अगर तबादले होते भी हैं तो सिर्फ वो महज पर्चों पर ना हो और उसका कोई ना कोई असर जरूर उन्हें देखने को मिले। जो कानून व्यवस्था है, जिस स्थिति में वो लोग रह रहे हैं उसमें वहां पर कुछ बेहतरी जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए।